गोरखपुर से अयोध्या जाने वाली बसों का रूट डायवर्जन कर चलाया जा रहा है। अयोध्या में हो रही काफी भीड़, परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक लव कुमार सिंह ने दी जानकारी। सपा ने गोरखपुर से लोकसभा 2024 के चुनाव के लिए काजल निषाद को बनाया प्रत्याशी। काजल निषाद ने कहा, यह है जनता का चुनाव, जनता है पीडीए के साथ, गोरखपुर में होगा परिवर्तन। नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने गोपलापुर व रसूलपुर में पोखरे व नाले पर हुए कब्जे पर कहा कि गोपलापुर में शिकायत प्राप्त हुई थी कि वहां जल भराव की है बहुत समस्या। निरीक्षण करने पर पाया गया कि कुछ लोगों ने पोखरे व नाले पर किया था अतिक्रमण। अतिक्रमण करने वालों पर कठोर कार्रवाई के दिए गए हैं निर्देश। भाजपा के गोरखपुर के केंद्रीय कार्यालय का प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री व लोकसभा चुनाव के क्लस्टर प्रभारी जयप्रकाश निषाद ने गोलघर में एक निर्माणाधीन बिल्डिंग में फीता काट कर किया शुभारंभ। कहा, गोरखपुर मंडल की सभी सीटें जीतेगी भाजपा, तीसरी बार पीएम बनेंगे मोदी। भाजपा के गोरखपुर लोकसभा चुनाव के क्लस्टर प्रभारी व पूर्व कैबिनेट मंत्री जयप्रकाश निषाद ने सपा से काजल निषाद को प्रत्याशी बनाए जाने पर कहा कि देश की 70% जनता है भाजपा के पक्ष में, मतदान करने के लिए कोई भी प्रत्याशी बने भाजपा को नहीं होगा कोई नुकसान। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत जिले में टीबी की जांच के लिए घर के पास ही एक्सरे की सुविधा की जाएगी प्रदान। विशेष शिविर लगाकर लक्षण वाले मरीजों का टीबी जांच के लिए मौके पर किया जाएगा एक्सरे जांच। गोरखपुर में नियमित प्रशासनिक कार्य के साथ टेली कंसल्टेशन में भी बेहतर प्रदर्शन करने वाले सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे समेत 10 चिकित्सा अधिकारियों को किया गया सम्मानित। उनके उज्ज्वल भविष्य की गई कामना। मोटापे से ग्रसित युवाओं में हाई बीपी स्ट्रोक व मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के कारण उनमें तेजी के साथ उभर रही है दिल की बीमारी। जिला अस्पताल व बीआरडी मेडिकल कॉलेज के ओपीडी में आने वाले दिल की बीमारी से ग्रसित युवाओं की बढ़ी है संख्या। गोरखपुर में पेंडिंग केस की विवेचना को लेकर एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने की समीक्षा। कुछ थानेदारों का असंतोष मिला काम, ऐसे थानेदारों को दी गई चेतावनी, मांगा गया स्पष्टीकरण।